हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हे निखिल, एंजल पीनट खा रहा हूँ। पीनट मारा बोले राखी को कौन राखी है भाई? मैं कोई राखी को नहीं जानता हूँ यार। Guys, और बताओ कैसा चल रहा है वीकेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम फीलिंग बोर, सोचा आप लोगों से बातें कर लूं। हाँ, I'm good. This is my new home in Athens, Greece. देख लो। This is the surrounding area. Let me show you. ये एंट्रेंस है, दिस इज माई बालकनी एंड दिस इज माई होम। गरीब का एक छोटा सा आशियाना है भाई। जो कोई भी यूरोप में है मैं डेफिनेटली मिलूंगा, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल कपल ऑफ कंट्री। इस बार मैं सोचा हूँ सबसे मिलूंगा और खूब सारा वीडियो भी बनाऊंगा। I'm going to travel Paris, I mean like Paris, Switzerland, in Romania, Italy, Austria, and few more that still to be decided. But जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। हाँ प्रतीक, हाँ यार प्रतीक को मैंने प्रॉमिस किया है, ही इज वंडरफुल गाय यार, डेफिनेटली मैं, वो मेरी तरह है, एटीट्यूड नहीं, किसी को लाइक किसी को हर्ट करने का नहीं, अपने काम को सबको इज्जत देना। बट वैसे लोग ज़्यादातर, मुझे लगता है कि वैसे लोगों को इंडस्ट्री में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, तवज्जो उसी को दी जाती है, इवन जनता भी उसी को तवज्जो देती है जो ज़्यादातर एटीट्यूड में रहे, जो चीज़ें उनके रीचेबल ना रहे, तो उसको लोग समझते हैं कि ही हैज़ सम वेट, बट इन फैक्ट
अगर कोई सेलिब्रिटी हो तो मैं समझता हूँ प्रतीक की तरह हो यार। उस बंदे में कोई भी एटीट्यूड नहीं है, सबको रिस्पेक्ट देता है एंड ही डिजर्व इट राइट। उस मैं अभी तक किसी भी बंदे में, यार आप सेलिब्रिटी हो या आप कुछ भी हो राइट, आपके पास कोई एक स्पेशल स्किल है तो आप समझो ना कि विद्या ददाति विनयम, जो भी आपके पास एक स्पेशल स्किल है वो आपको सॉफ्ट मीन्स लाइक सॉफ्टनेस देगा, इट्स नॉट एरोगेंस नहीं देगा राइट। उस बंदे में है, उस बंदे में डेफिनेटली है। आई लव हिम। बहुत सारे लोग बदले बिकॉज दे रियली डोंट केयर कि भाई आप मेरे फील्ड के ना हो, या बहुत सारे लोग को टाइम के अनुसार उनको लगता है कि हाँ आज ये फलना जीजू हैं कल ओके नहीं है, टाइम के अनुसार आप इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट नो, आप किसी के, मेरा मानना है कि किसी भी इंसान, यार यू नेवर नो राइट, कौन कब कहाँ आ जाए। लोग समझते हैं कि ये वन वे एंट्री है, नहीं यार, कभी भी कोई भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है राइट। मैं बिग बॉस के बाद बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े। बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपसे कनेक्शन बनाए, उसके बाद लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इनसे अब मेरी ज़रूरत नहीं है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर किसी को केवल ज़रूरत के बेस पे ही रिलेशन बनते तो आई मीन डेफिनेटली आपकी माँ कहती कि भाई इतने पैसे दो तो तुम्हें पैदा करूँगी, आपके पिताजी ये कहते कि हाँ ठीक है इतने पैसे दो तो मैं आपको फादर का लव दूंगा। इट्स नॉट, कहीं से ये जेन्युइन नहीं है। तो लोग हैं यहाँ पे, लोग हैं, बट एक कह सकता हूँ कि प्रतीक ही एक ऐसा बंदा मुझे दिखा जिसमें कोई छल कपट या कोई भी बंदा नहीं है। एंड उन लोगों के लिए ये ज़रूर एक मैसेज है, जो बंदे समय के साथ बदलते हैं बेटा। कोई भी शेर जो है ना, शेर को शिकार करते आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो पहले ये पता नहीं है। शेर जब दो कदम पीछे हटता है ना, इट डजंट मीन कि वो पीछे हट गया, वो दुगने जोश से अटैक करता है। तो ये ध्यान रखना कि अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। तो इसलिए अभी किसी भी चीज़ को कंक्लूड करना उचित नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। लोग समझे यार मेरे लिए, मीन्स अगर मैं किसी के से मीन्स किसी का पैग बना के और फिर जाके काम नहीं मांग सकता हूँ। मेरे पास टेक्निकल स्किल है, मैं क्यों किसी से काम जाके मांगूं कि भाई मुझे पिक्चर साइन कर लो, ये कर लो, मैं आपका पैक बनाऊंगा, आपका पांव दबा दूंगा। वो सब काम नहीं मैं करता हूँ। मैं डिग्निटी से यहाँ तक हूँ और आगे भी डिग्निटी से ही रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, प्रतीक का तो देखा हूँ, रियली वेरी स्वीट गाई एंड खूब ईश्वर उसे कामयाबी दे, अच्छा बंदा है। वैसे लोगों को आगे आना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो दुनिया चलेगी। अदरवाइज सब करप्ट और फ्रॉड पीपल अगर भर जाएंगे किसी भी सेक्टर में तो वहाँ से दुनिया नहीं चलेगी। एंड एक कॉमन
चीज़ है, जो भी जितने भी यहाँ के बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं वो लोग सोचते हैं कि कुछ कुछ आज तो ट्रेंड ही हो गया है। आप कुछ जैसे जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं कि हाँ भाई बॉडी दिखा दो, ये करा दो, तो बस लाइक्स मिलते हैं। इनफैक्ट रणवीर सिंह का मैं देखा, उन्होंने न्यूड वीडियो शूट कराया, फ़ोटो शूट कराया, जो भी है, आई रियली डोंट लाइक इट बिकॉज ही हैज़ अ पोटेंशियल, ही कैन डू बेटर। कि अगर आप अगर ये करते हो तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, आप में पोटेंशियल स्किल सब चीज़ है, फिर वो सब करने की क्या ज़रूरत है यार। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद ही वैसे नहीं कर सकता हूँ कि जाके भाई अपने को गिरा के, अपने को जोकर बना के मैं दूसरे को हंसाऊं और ये, नो आई डोंट हैव दैट। हाँ, रियल कंटेंट होगा, रियल चीज़ें होंगी, रियल बातें होंगी। कुछ तो लोग होंगे यार, आउट ऑफ 100% लेट्स 95% दे डोंट वांट, दे नीड अ वल्गारिटी, राइट? 5% तो होंगे जिनको रियल कंटेंट चाहिए, राइट? मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ। आई रियली डोंट वांट कि आप आओ और गलत चीज़ों के साथ मेरे साथ जुड़ो। यार बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं यार। अगर मान जाओ कि मैं आपको वल्गारिटी दिखा के थोड़ा सा मनोरंजन कर दूँ, बट देर इज ये सोशल मीडिया ये सब बना हुआ है कि कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ों को आप लाओ, आप रियली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप अपने लाइफ, अगर मान जाओ कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर कुछ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें आप मेरे से सीख सकते हो, कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख सकता हूँ, सो इट्स रियली गुड। क्यों लाइक बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सोन करना चाहता हूँ, ठीक है, दैट्स रियली गुड। आप अगर मुझे लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, सिमिलर वे यू कैन कनेक्ट टू अदर सेलिब्रिटी ऑल्सो, राइट? वहाँ पे भी आप जान सकते हो कि कैसे आप किसी वहाँ तक आ सकते हो। डेफिनेटली अगर पूरी इंडिया आगे बढ़ती है, सभी वहाँ की जनता आगे बढ़ती है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा यार। लाइक आज हम लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग क्यों क्रेजी रहते हैं यूरोप या US में सेटल होने के लिए? मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा कि मैं विदेश में जाके सेटल हो जाऊँ। आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, बट मैं विदेश में सेटल नहीं होना चाहता हूँ, मेरा काम है, बट आफ्टर ऑल आई विल कम बैक टू माई इंडिया। मेरा काम के बाद मैं सीधा इंडिया जाऊँगा यार। मुझे क्योंकि आप ऐसी सोच रखो कि भाई हम ये करके भाग, मीन्स लाइक अपने को सेफ कर दिए, हम लोग जाके सेटल हो गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप सेटल हो गए, लेकिन आपका अगर समाज, आपका देश तो वहीं रहा, तो फिर तो आपका कहीं भी अगर कोई काउंट करेगा कि आप कहाँ से हो, इंडियन, ओके, मीन्स राइट। तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ों को फोकस करो कि कम से कम आप तो खैर अपने को सेटल करो ही, बट हाँ साथ में सोसाइटी, समाज, सबको लेके चलो, एंड दैट इज़ व्हाट माय टारगेट। अभी मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मैं तो कह सकता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ तो लाइक पहले जो ईडी की रेड वगैरह होती थी, मुझे नहीं लगता हार्डली कभी हम लोग सुनने में आता था। आज तो ईडी की रेड आप देख सकते हो, बहुत सारे ईडी के रेट, बट मोदी जी इन एडिशन, आपको मेरी एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पर भी फोकस करो कि आज ह्यूज पेंशन जो है, पॉलिटिशियन लीडरों को ह्यूज पेंशन जाता है, ठीक है, ह्यूज पेंशन। वो जितनी बार पोस्ट चेंज करते हैं, जैसे मान जाओ कि MLA हो गए, उसके बाद मंत्री रहे, उसके बाद तो उनको हर हर चीज़ का पेंशन मिल जाता है।
उन पेंशनों में कटौती की जाए, क्योंकि देश की इकोनॉमी सुधारनी है तो सिर्फ जनता पे टैक्स का बोझ नहीं देना है, ठीक है। आप सिर्फ जनता पर टैक्स का बोझ देके आप उसको ये नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ भी कटौती करनी है। अगर आपके लाइक जितने भी पॉलिटिशियन लोगों को जो पेंशन मिलती है उसको ख़त्म किया जाए, इनफैक्ट उनको जो सुविधाएं मिलती है, जैसे लाइक उन मीन्स बहुत सारे उनके सरकारी बंगले हैं, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्ट हूँ पॉलिटिशियन से, तो मैं जानता हूँ उनके सरकारी बंगले में लगभग 20-30 ऐसी ही एशिया चली रहती हैं। उनको कटौती की जाए, उनकी सुविधाओं में कटौती की जाए, और जो उनको जेड प्लस वाई प्लस आप सुरक्षा दे रहे हो उनमें कटौती की जाए, इन सब को भी कटौती, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जनता का पैसा है। जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी जैसे नॉट पॉलिटिशियन इवन ब्यूरोक्रेट्स, उनके पास जितने भी ये हैं उन पर कटौतियाँ की जाए। केवल जनता को ही अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आप लोग रोज़गार के लिए ओपन कर देते हैं कि रोज़गार इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, हम लोग इतना लाख रोज़गार देंगे, बट व्हाट इज़ द प्लान, ग्राउंड प्लान है आपके पास? अभी मैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अनाउंस किया, बट आपके पास क्या ग्राउंड प्लान है? आप 20-30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, बट ग्राउंड प्लान है क्या आपके पास? आप पहले उस प्लान को काम करो, उसके बाद ही आप कहीं भी प्रॉमिस करो, बिकॉज जनता को जस्ट प्रॉमिस करके और केवल जनता को ये कह देना कि हाँ भाई इतनी सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, आप पहले ग्राउंड प्लान पे काम करो। अगर नहीं हो वैसे लोगों को आप बिठाओ, साथ में प्लान बनाओ, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को वर्डिंग, दैट इज़ हाउ लाइक देश के बाहर हम लोग जितने भी लोगों को देखते हैं वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ लाइक ये अभी यूरोप US दे आर इन डेवलप कंट्री, ठीक है। चलो यार बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखो एंड फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।